तो उम्मीदों का बजट इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि एक्सपेक्टेशंस हाई हैं। राजस्थान की पहला बजट है भजनलाल सरकार का, जो कि अंतरिम बजट जो है वो पेश होने जा रहा है। वित्त मंत्री, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ये बजट आज पेश करने जा रहे हैं चंद्रश्री। बिल्कुल, और ठीक एक घंटे का इंतजार और है आशीष, उसके बाद सबके सामने ये बजट होगा। और आज अंतरिम बजट से हर किसी को उम्मीद है। भजनलाल सरकार का ये पहला बजट है और राजस्थान में आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल के जनभावना की पूरी झलक इस बजट में देखने को मिलेगी। ठीक सुबह 11 बजे एक घंटे बाद ये बजट, पहला बजट सबके सामने होगा। ये लोकसभा चुनाव को देखते हुए पूर्ण बजट नहीं बल्कि अंतरिम बजट पेश होगा। वित्त मंत्री पहली बार बजट पेश करेगी, महिला सशक्तिकरण की ओर बढ़ रही है। बिल्कुल निश्चित रूप से महिला को हमने हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने 33% MLMP में भी आरक्षण दिया है। क्या उम्मीद जताई जाए सर, क्या कुछ हो सकता है आपके पिटारे में? बिल्कुल निश्चित रूप से अच्छा होगा, आप देखते हैं अभी। ठीक है, और चलिए लगातार हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं भरत विष्णु शर्मा और शशिमोहन शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए। सबसे पहले भरत विष्णु शर्मा का हम रुख करेंगे। विष्णु, सबसे पहले तो ये बताइए आपकी मौजूदगी कहाँ है इस वक्त, और क्योंकि अंतरिम बजट में सिर्फ एक घंटे का समय रह गया है, कई सारे उम्मीदें हैं, कई सारे वर्गों को लेकर इस बजट से उम्मीदें हैं, लेकिन बजट में आखिर क्या होगा? चार महीने का लेखानुदान होगा, लेखा जोगा होगा इस बजट के अंदर, तो क्या लग रहा है कि कौन से वर्ग को सबसे ज्यादा अहमियत इस बार मिल सकती है? हालांकि किसी को निराश करने वाला ही बजट नहीं होगा ये पता है, लेकिन क्या कुछ उम्मीदें लगाए बैठे इस बजट से लोग? बिल्कुल, मैं इस वक्त विधानसभा परिसर में हूं और यहां अभी करीब एक घंटे बाद विधान जो पेश है बजट लेखानुदान है वो पेश किया जाएगा। लेखानुदान पूर्ण बजट नहीं होता, केवल चार महीने का सरकार का आय व्यय और होता है, यानी खर्चा और कितना इनकम सरकार की होने वाली है उसका ब्यौरा यहाँ पर पेश किया जाता है। साथ ही यहाँ पर कुछ घोषणाएं की जा सकती है, हालांकि जो घोषणाएं हैं वो एक तरह से संकेत वो होगी कि इस तरह से जिसमें बजट का ज़्यादा प्रावधान नहीं किया जाएगा, लेकिन वो घोषणाएं होगी जो जनसंकल्प पत्र में है उन वायदों को यहाँ पर लाया जा सकता है। राज्य सरकार लगातार महिला सुरक्षा को लेकर बात कर रही है और आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के जरिए कि विधायक हैं वो उनके पहुँचने का सिलसिला शुरू हो गया है। मेरे साथ यहाँ पर टीकाराम जूली है, नेता प्रतिपक्ष है, वो पहुँच रहे हैं, उनसे सीधे बात करवाते हैं, आपको मुखातिब हो रहे हैं कि किस तरह से वो बात करेंगे। टीकाराम जूली है नेता प्रतिपक्ष, वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, आज उनसे बात करते हैं। चार महीने का यहाँ पर लेखानुदान पारित करिए सरकार और बड़ी उम्मीद है लोगों को, और क्या लगता है आपको किस तरह से होगा? जनता को पिछले दो महीने में ये पता चल गया है कि जो बड़ी उम्मीदें जनता ने इनसे लगाई थी वो कोई पूरे होने वाली नहीं है। मैं तो चाहूँगा आज लेखानुदान लेके आ रहे हैं, इसके अंदर इनकी एक बहुत बड़ी घोषणा थी डीजल पेट्रोल पे वैट कम करने की, तो ये हरियाणा से कम या हरियाणा के बराबर तो उस चीज़ को करें ताकि प्रदेश के लोगों को राहत मिल सके। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि पिछले दो माह से जो पर्ची सरकार चल रही है जनता के हित में कोई निर्णय नहीं लिए जा रहे हैं। इनके विधायक, इनके मंत्री बड़बोले बोल बोल रहे हैं, लोगों को धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, लेकिन जिन मुद्दों के ऊपर ये सत्ता के अंदर जीत के आए थे उनकी कोई बात नहीं कर रहे हैं। दो महीने के अंदर राजीव गांधी युवा मित्रों को हटाने का काम किया है, अभी मैं कन्फर्म नहीं हूँ लेकिन पता चला एक युवा मित्र की डेथ भी हो गई, और महात्मा गांधी प्रेरक की भर्ती रोक दी, मेडिकल की भर्तियाँ कंप्लीट हैं, उनके मृत्यु नहीं दे रहे हैं, पशु मित्र ठेका कर्मी लगातार परेशान हो रहे हैं, बिजली की अव्यवस्थाएँ किसान के साथ पिछले दो महीने से चल रही हैं। इन चीज़ों पर ध्यान न देकर यहाँ के मंत्री और विधायक
दिल्ली की पर्ची का इंतजार कर रहे हैं कि वहाँ से पर्ची आ जाए तब ये लोग काम करें। हाई कोर्ट की डाट टिकी, पूरे देश के अंदर जब सब जगह से थू थू हुई उसके बाद 2 महीने में ये एजी लगा पाए हैं, तो ये तो इस सरकार की कार्यप्रणाली है। और कल भी मुख्यमंत्री जी लेखानुदान के लिए भी पहले दिल्ली पहुँचे हैं, दिल्ली गए हैं, वहाँ से पर्ची मिली है, अनुमति मिली है, उसके बाद यहाँ लेखानुदान आ रहा है। तो ये हो क्या रहा है सरकार में, ये मैं कहना चाहूँगा। 4 महीने का बजट मान लेखानुदान ला रहे हैं, तो क्या लगता है कि जो घोषणाएं उम्मीद है लोगों पर उन पर खरा उतर रही है सरकार, उतरेगी? क्योंकि ऐसा सरकार का भी दावा है कि महिला सुरक्षा हो, किसान हो, तमाम वर्गों को साधने की कोशिश की जा रही है चुनाव को लेकर। देखिए, महिला सुरक्षा की बात करें तो जितने महिलाओं पर अत्याचार बीजेपी के समय में और बीजेपी के नेताओं ने किए इतने कभी हुए नहीं। किसान की बात करें तो किसान की आमदनी दुगनी करने की बात करते थे, आज किसान की आमदनी आधी भी नहीं छोड़ी। उसी किसान के लिए 3 काले कानून ये लोग लेके आ गए। उसी किसान की जो सम्मान निधि थी जिसको 12,000 बढ़ाना था उसको अब 8,000 की कह रहे हैं। तो किसान की महिलाओं की बात कहाँ की है? आज प्रदेश के अंदर लगातार जिस प्रकार की महिलाओं पे, बच्चियों पे वारदातें बढ़ रही हैं, अभी मैं पढ़ रहा था अलवर का ही समाचार कल आया है, एक टीचर ही बच्ची के साथ गलत हरकत कर रहा है, तो ये तो इनका कानून का राज है। ये खुद थानों में जा रहे हैं, उसके बावजूद भी इनकी कानून व्यवस्था चुरुस्त दुरुस्त नहीं करा पा रहे ये लोग। ये थे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, जिन्होंने कहा कि सरकार अपने वादों और दावों पर खरा नहीं उतर रही है। ऐसे में वो उनको उम्मीद नहीं लगती कि इस लेखानुदान में कुछ खास घोषणा की जाएगी। तौर पर नेता प्रतिपक्ष है तो